हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PYQ इन वन मिनट। आज हम CBSE 2023 के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से 3 मार्क्स में पूछा हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जब सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश के अंदर बाहर रखा जाता है तो उसका कलर ग्रे हो जाता है सनलाइट में रखने पर। हमारे को पहला क्वेश्चन पूछा है, राइट द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड When it was kept in China dish, जब China dish में रखा गया था, जैसे कि ये China dish है, इसके अंदर जब इसको रखा गया था, किसको? Silver chloride, जिसका formula होता है AgCl। तो उस time पे इसका color क्या था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि silver chloride जो होता है, उसका color किस color का होता है? White होता है। तो पहले question का answer तो हमें मिल गया। अब दूसरा question क्या पूछा है? Name the type of chemical reaction taking place and write the chemical equation for the sunlight। पहले तो समझते हैं कि chemical reaction कौन सी कैसी हो रही होगी। तो AgCl है, इसको हमने किस में रखा है? sunlight में रखा है, ये white color का है, और जैसे ही white color के इसको हमने sunlight में रखा तो ये breakdown होगा, इसका breakdown होगा तो ये क्या बनेगा? Ag बनेगा और Cl2 अलग हो जाएगा। balance करने के लिए इधर 2 लगा देते हैं, इधर भी 2 लगा देते हैं। ये जो silver है, इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रे हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है, जो कि वाइट कलर का होता है, वो सनलाइट के अंदर रखते ही क्या हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा, यानी कि डिकम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, सनलाइट की मदद से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, और इसको फोटोलिटिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, फोटोलिटिक रिएक्शन भी बोल सकते हो। आप ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन टाइप की रिएक्शन है, लाइट की हेल्प से हो रही है, इसलिए इसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो, स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन का एक यूज बताओ। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। इसका यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। और साथ में एक और क्वेश्चन पूछा है, एक और ऐसे केमिकल का नाम बताओ जिसका यूज भी सेम पर्पज के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, इसकी 2 रिएक्शंस आपकी बुक में गिवन है। AgBr यानी कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, उसका यूज भी इसी पर्पज के लिए, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। आई होप आप लोगों को तीनों का आंसर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के 1 मिनट PYQs देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।